जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही हमारा दुर्भाग्य यदि हमारे ऊपर कोई ऐसी दशा चल रही है, ऐसी कोई हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में हमारी बरकत नहीं हो रही, माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज है, दरिद्रता पूरी तरीके से हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं, गरीबी पूरी तरीके से हम पर हावी है, तो हमें एक बात तो अवश्य सोचना चाहिए कि पूरे प्रयास करने के बाद क्यों नहीं हमें मनचाहा धन प्राप्त हो रहा है, मनचाहा पैसा प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो हम अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं और मां अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, पूरा प्रयास करने के बाद भी यदि हमें मनचाहा धन नहीं प्राप्त हो रहा, मनचाहा पैसा नहीं प्राप्त हो रहा, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, हमेशा कलह क्लेश की स्थिति होती है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज मैं अपने इस वीडियो में यही सारी बातें, वह कौन सी गलती जो अनजाने में हमसे हो जाती है, उसका फल हमें लंबे समय तक, हमें ही क्या, हमारे पूरे परिवार के सदस्यों को भोगना पड़ता है। परिवार का एक सदस्य गलती करता है और परेशान सभी को होना पड़ता है। महिलाओं का पूरा समय किचन में निकलता है, रसोई घर में। हम गैस के पास अनजाने में वह सब वस्तुएं रख देते हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है, मैं कई घरों में देखती हूँ कि गैस के पास पानी से भरा हुआ बर्तन रखा है। ये एकदम विरोधाभास है। अग्नि और जल दोनों नज़दीक रखा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, एक विरोधाभास का कार्य करता है। इससे हमारी बरकत, जो हमारे किचन में बरकत होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। मां अन्नपूर्णा हमसे नाराज होने लगती है, साथ ही मां लक्ष्मी हमसे सदैव के लिए नाराज हो जाती है। हमें कभी भी जल वहाँ नहीं रखना चाहिए। जल के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अलग स्लेब होना चाहिए, थोड़ा सा दूर, गैस से थोड़ा सा दूर, जहाँ हम अपना पानी रखते हैं। किचन में पूरे दिन खाना बनाने से लेकर पीने से लेकर सभी कार्यों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए रखने का स्थान गैस से दूर होना चाहिए। कभी भी गैस के पास पानी नहीं रखना चाहिए। खाना बनाती समय रखते हैं वह एक अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए आप गैस के पास यदि पानी रखते हैं वह गलत बात है, एक विरोधाभास उत्पन्न कराता है और इससे हमारी बरकत, हमारी लक्ष्मी की आवक रुक जाती है। साथ ही दोस्तों, यदि हमारे रसोई घर में कहीं भी या प्लेटफॉर्म पर गैस के पास यदि गंदगी पड़ी होती है, हम वहीं खड़े होकर सब्जी काट रहे हैं और सब्जी का कचरा बिना उठाए वहाँ दूसरा कार्य करने लगते हैं, ये एकदम गलत है। कोई भी कचरा, कोई भी यदि गंदगी वहाँ फैली हुई है, अक्सर गैस पर चाय दूध उफन जाता है, थोड़ा सा साफ कर दिया, गैस के नीचे की जगह साफ नहीं करी, यह वहाँ नेगेटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव ऊर्जा का कार्य करता है और इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर हमें, हमारी बरकत समाप्त कर देती है। हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। गैस हमारे लिए बहुत ही, अग्नि हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होती है। मैंने पहले अपने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो मैंने इसके इस संबंध में डाले हुए हैं कि आप सबसे पहला, आप जिस अग्नि से आपने खाना बनाया है, सबसे पहला कोर उस अग्नि को ही समर्पित करना चाहिए। आप कैसे करें, यह भी उस वीडियो में दिया हुआ है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे निकाल कर देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी, क्योंकि महिलाओं का अधिकांश समय रसोई घर में निकलता है और महिलाओं को बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी होनी चाहिए। हमें खाना बनाकर खिला दें वही कला नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा हम कैसे अपने घर में बरकत लाएं, मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करें। पति तो पति का कार्य होता है कि आपको धन कमा कर ला कर देना, उस लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए स्थिर निवास कराना,
महिलाओं का कार्य होता है। कैसे आप क्या कार्य कर सकते हैं जिससे आपके यहाँ माँ लक्ष्मी सदैव के लिए बस जाए। जो आपके पति आपको धन कमा के लाकर दे रहे हैं उसमें हमेशा बरकत बनी रहे, ये कार्य महिलाओं का होता है। इसलिए महिलाओं के लिए बातें जाननी चाहिए। कोई भी महिला जानबूझकर कोई गलती नहीं करती, लेकिन अनजाने में ये गलतियां होती ही हैं। जैसे कि महिलाएं अंत में खाना खाती हैं, यदि सब्जी नहीं बची, कुछ चीज़ नहीं बची, तो तवे पर ही थोड़ा सा तेल डालकर कुछ छोंक लेती हैं, कुछ दूसरी सब्जी कुछ भी बना लेती हैं। वह बिल्कुल गलत तरीका है। तवा सिर्फ रोटी बनाने के लिए होता है, रोटी सेकने के लिए होता है, आप उसी कार्य के लिए यूज़ करें। तवे में कभी भी दूसरा छोकन ओकन का कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये हमारी बरकत को समाप्त करता है। आप कढ़ाई में खाना बनाते हैं, उसके बाद तुरंत उसे दूसरे बाउल में खाली कर लेते हैं, ये भी गलत है। आप कढ़ाई में खाना बनाने के बाद बाउल में अवश्य निकालें, लेकिन 2-3 मिनट रुकने के बाद, कम से कम को 2-3 मिनट उसी कढ़ाई में रखे रहने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उसे बाउल में निकालें। वो कढ़ाई एकदम से ठंडी हो तब आप उसे पानी के नल के नीचे रखिए, या जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रखिए, क्योंकि गर्म बर्तनों में कभी भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, तवा और कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो गर्म कढ़ाई या तवे में पानी पड़ता है, एकदम से जो आवाज़ होती है छनदनी, वह हमारे घर में कलह का कारण बनती है, हमारे परिवार के मेंबरों की बीमारी का कारण बनती है, वह गलत होता है। इसलिए कभी भी आप ध्यान देना कि कढ़ाई में गर्म कढ़ाई को आपने खाली करा और उसके बाद उसे तुरंत पानी से भर के ना रखें, थोड़ा ठंडा होने दें, या तवे पर जब तक तवा गर्म होता है उस पर कभी भी पानी के छींटे नहीं देना चाहिए या पानी नहीं लगने देना चाहिए। यह बहुत ही हमारे लिए तरह से नुकसानदायक होता है, हमारे परिवार के मेंबरों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है और परिवार के मेंबरों का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, घर में कलह रहने लगती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, जब आप कोई तलने का कार्य करते हैं, कढ़ाई में आपने कुछ तला और बचा हुआ तेल आपने कुछ बर्तन में कुछ डिब्बी में भरा और उसे गैस के पास ही रख दिया, नहीं, ये भी गलत है। आप उसे रखें, लेकिन आप दूसरे जगह थोड़ा सा आप गैस के पास से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वह एक बार यूज़ हो चुका है और गैस हमारे लिए पूजनीय है। वहाँ वही चीज़ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे गैस के पास खड़े होकर कुछ भी खाना झूठा करना, ये भी गलत है। आप चाय बनाते हैं, वहीं खड़े होकर पी रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर झूठे बर्तन रखे हुए हैं या रख रहे हैं, तो एकदम गलत होता है। आप इन बातों का ध्यान रखें। ये बहुत छोटी, देखने में सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये जो करता है उसके घर में एकदम बरकत समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ चाहे कितनी भी कमाई हो, कितना भी धन आता हो, लेकिन अधिकांश धन उसका डॉक्टरों में या गलत रास्ते में चला जाता है। इसलिए और बरकत, बरकत तो बिल्कुल नहीं होती। आप कितना भी घर में खाना बना लीजिए, हमेशा कम पड़ता ही दिखाई देता है। इसको बोलते हैं बरकत समाप्त होना। इसलिए इन बातों का ध्यान हमेशा महिलाओं को रखना चाहिए। यदि घर के पुरुष या बच्चे भी ये कार्य कर रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए। आप ये इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें, आप खाना हमेशा स्नान के बाद बनाएं, बिना स्नान किए खाना नहीं बनाना चाहिए। जब आप खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आपके मन के भाव इस प्रकार होना चाहिए कि हम घर में प्रसाद बना रहे हैं और भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, ये भगवान का भोग बना रहे हैं हम, वह भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। साथ ही आप स्वच्छता पूर्ण हर कार्य करेंगे तो उसका एक महत्व अलग हो जाएगा। हर कार्य में आपके अन्नपूर्णा का निवास हो जाएगा, हर बुरी तरीके से बरकत आपके घर में निवास करने लगेगी। दोस्तों, मैंने अधिकांश घरों में देखा है, अधिकांश नहीं, आजकल 99% घरों में यही हो रहा है कि बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं, घर में कार्य करने के लिए मैड लगी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं यदि आपके यहाँ मैड भी कार्य करती है, लेकिन रसोई घर का कार्य यदि घर की बहू, घर की महिला ही करती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सारे कार्य हम कर सकते हैं अपने किचन में,
वह मेड नहीं कर सकती, उस तरह की सफाई नहीं रख सकती, उस तरह की जो आप ध्यान देना चाहते हैं, घर में पानी कहाँ रखें, किसके पास क्या रखें क्या नहीं रखें, ये सारी व्यवस्था मेड नहीं देख सकती। और यदि फिर भी आवश्यक है कि आपको मेड से ही कार्य करवाना है, तो आप उसे लगातार बताते रहें कि नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी, या आप स्वच्छतापूर्वक कार्य करें, आप यहाँ से कचरा हटा दें, यहाँ आप गंदगी ना करें, ये सारे कार्य आप उसे बताते हैं, लगातार बता के करवाते हैं, तो हो सकता है मेड भी आपके जैसे परिवार का मेंबर कार्य करता है वैसा ही करे। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि किचन में हम ही कार्य करें, क्योंकि जो घर की महिला, जिस घर की महिला किचन में स्वयं रोटी बनाती है, स्वयं किचन का कार्य करती है, उस घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास होता है, बरकत का वास होता है। लेकिन आजकल का जो एक पढ़ा लिखा माहौल हो गया है, हर बहुएं, हर बेटी जॉब करना चाहती है, और जॉब के कारण वह इतना समय ही नहीं होता उनके पास कि वह घर में रोटी भी बनाए। एक अलग बात है, इस पे अपन इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बार बार बताना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ आप किचन के गैस के पास करते हैं, वह गलतियाँ बहुत छोटी मोटी नहीं होती हैं, देखने में भले ही छोटी हों, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही गलत होते हैं। हम देखते हैं पति दिन भर मेहनत करके कमा के ला के देता है, आप देखा जाए तो फिर घर में वही की वही स्थिति होती है, कोई पैसा नहीं बच रहा, कोई सेविंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें आपका भी कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। आप ये बात सोचें, ध्यान करें, और आज से ही क्यों, अभी से ही इस बात का ध्यान देने लगें कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम कम से कम किचन में स्वच्छता रखें, और गैस के पास तो हमेशा हम ध्यान रखें कि अनावश्यक कार्य ना हो। दोस्तों, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी जब तवा गैस पर से उतारते हैं तो वह खाली नहीं होना चाहिए। आखिरी रोटी हम छोटी सी बनाते ही हैं, कुत्ते की रोटी बनाते हैं, उसके बाद आप छोटी सी बिल्कुल जरा सी लोई रख लें और तवे पर चिपका दें। जब तवा उतारें वह लोई रख लें, आप चींटियों के लिए डाल दें, गाय कुत्ते को डाल दें, किसी को भी डाल सकते हैं। आप ये कार्य करें, नहीं है ऐसा, आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जब तवा उतारते हैं, तवा गैस पर रहता, आप कुछ कटोरी, कुछ भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं कि तवा आप गैस पर से उतारते समय खाली नहीं उतारें, और गैस पर रात भर तवा और कढ़ाई ना रहने दें। आप उतार कर नीचे जब तवा उतार लेते हैं, उसके बाद भले ही वहाँ उसके ऊपर से कटोरी उठाकर तवा रख दें, लेकिन उसे खाली गैस पर से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि ये भी एक शगुन वाला काम होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि गैस के पास क्या रखा जाए जिससे हमारी बरकत बनी रहे। आप सर्वप्रथम गैस के पास चीनी का डिब्बा रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है ये। आप नमक का डिब्बा रख सकते हैं, और चाहें साथ ही दोस्तों आप घी का डिब्बा भी गैस के पास रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें शुक्र की कारक होती है, इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और हमारे घर में सुख शांति के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बरकत सभी बनी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हमारे परिवार में, ऐसे परिवार में नहीं होती जहां चीनी का डिब्बा, घी का डिब्बा या नमक का डिब्बा गैस के पास रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसे सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए जो ये बातें बताई गई, जरूरी नहीं है कि आप कहा गया है तो रखें ही, लेकिन आप रखना चाहते हैं तो ये वस्तुएं रख सकते हैं। आप कभी भी अपनी झूठी सामग्री, जिससे आपकी दाल, आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और आपकी दाल ठंडी हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप झूठी कटोरी उठाकर और गैस पे गर्म करने रख दें, नहीं, आप थोड़ी सी गर्म जो अच्छी है, झूठी नहीं है, उसे गर्म करके उसे डाल लीजिए अपनी कटोरी में। कभी भी झूठे बर्तन फिर से गैस पर रखकर नहीं गर्म करना चाहिए, झूठी वस्तु कभी भी फिर से रखकर गर्म नहीं करना चाहिए, इससे हमारा पूरा बरकत रिद्धि सिद्धि सभी समाप्त हो जाती हैं। ये जानकारियाँ आप यदि लेकर चलते हैं, आप देखेंगे, आप अपने किसी पूर्वजों से, जो आपके पुराने
यह सारी बातें आप अपने घर के बुजुर्गों से शेयर करके देखना, देख बताएंगे वह कि ये बातें एकदम सच है, एकदम 100% सत्य। क्योंकि पहले के परिवारों में बताया जाता था, अब परिवार ही ऐसे हो गए हैं कि घर के बुजुर्ग बेचारे बोलने में ही डरते हैं और नहीं बताते हैं। परिवार में इतना विघटन हो गया है कि कोई किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहता, करना भी चाहता है तो कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए ये सब बातें समाप्त हो गई हैं। पहले के समय में ये बताया जाता था, रह रह के बोला जाता था कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इसलिए बच्चे सीख जाते थे। और आज के बच्चे इन चीज़ों से बिल्कुल ना समझ बने रहते हैं। इसलिए मैंने अपने वीडियो से पूरी कोशिश करी है कि आपने आपके घर में कैसे बरकत हो और कैसे रिद्धि सिद्धि का वास हो। आप अवश्य इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य सभी प्राप्त आपको प्राप्त होंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आपके लिए 2022 बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहे। आप यह उपाय अपनाएं तो आपका पूरा जीवन बहुत ही सरलता और सुगमता से निकले, सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति आपको हो। ओम नमः शिवाय।